हम अपने गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति का प्रचार जरूर करते हैं। बिना भोटिया कुत्ते भी आए हैं, क्यों कीमत क्या है इसकी? कीमत क्यों हम उतरा खंडी जा। मेरा जो क्रीम पाउडर का सॉन्ग है, आप लोगों ने इतना हिट किया कि चलिए गुड मॉर्निंग, एक नया दिन और नया व्लॉग। तो चले आज बागेश्वर से आपका अर्जुन कलपटिया जा रहा है कपकोट और भराड़ी, क्योंकि आज का जो उत्तरायणी मेला होता है ना, वो होता है भराड़ी और कपकोट में। और साथ ही कहना चाहता हूँ, आज आपको ऐसे उत्तराखंड के कलाकारों के साथ मिलाने वाला हूँ जो आपने थंबनेल और वीडियो के ट्रेलर में देख लिया। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, चले करते हैं व्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्कार, पहला का अभिमान स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो आपका अर्जुन कलपटिया इस टाइम पे बागेश्वर से कपकोट के केदारेश्वर मैदान पे पहुंचे हुए हैं। और आपको बताना चाहूं तो आज का जो मेला होता है उत्तरायणी का, वो भराड़ी और कपकोट में होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना सारे लोग दानपुर से आए होते हैं इस मेले में। और आज दो गत्ते का जो मेला होता है वो भराड़ी और कपकोट में होता है। और सामने आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं झोड़ा चाचरी, जो हमारे मल्ला दानपुर में प्रसिद्ध है, वो आपको दिखाते हैं। और ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो भराड़ी मार्केट में ना उत्तरायणी मेले का एंजॉय किए हैं पंकज भाई, और ये डेली के ब्लॉग देखने वालों में से एक हमारे निकी भाई। स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल में आपका। राजू, क्या कहना चाहोगे इस मेले के बारे में? यहाँ पे दानपुर क्षेत्र से लगभग कितने गांव से लोग यहाँ पे इस मेले में आए होंगे, बता सकते हैं? जी, यहाँ हमारे ऊपर मल्ला दानपुर 18 गाँव है टोटल। 18 गाँव से आए हैं लगभग 2 साल के बाद। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम स्पेशली हल्द्वानी से, यहाँ पे सिर्फ हल्द्वानी, बस 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 बस। और भराड़ी एकमात्र ऐसी मार्केट है जहाँ पे सारे दानपुर के लोग आते हैं। तो आज के मेले में ना आपको पहले सब्सक्राइबर अब बताना चाहूं तो ये भाई साहब मिले हैं, कहां से हैं? सर मैं लीति से हूं। सर ये लीति से तो चले अब आपको लेके चलते हैं रंगारंग कार्यक्रम की दुनिया में। यहाँ पे होने को जा रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुतियाँ। चलिए आप सभी लोग डांस भी करोगे और बहुत अच्छा प्यार भी मिला है इस गीत को मिलेगा। और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इसी गीत में सबसे ज्यादा जो रील बनी है ना, वो दानपुर एरिया है बागेश्वर से बनी है। इस गाने में 4.5 लाख रील बनी थी इस गाने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए एक सुंदर सा गीत, उसके बाद हिमोली और क्रीम पाउडर आप सभी के बीच में होगा। जिनको आप YouTube चैनल TV में देखा करते थे, वो आज आपके सम्मुख है।
आप सभी लोगों को नमस्कार मेरी पूरी टीम की ओर से, और आप सभी लोगों को उत्तरायणी मकरायणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को मैं गढ़वाली बोलूँ, आप लोगों को समझ में आने से या हिंदी में बोलूँ मैं, और पहाड़ी लोग हैं हम लोग, और मेरा गांव है माणा, भारत का अंतिम गांव। हम लोग देवभूमि के लोग हैं, इसलिए हम गढ़वाली में बात करता, हम लोग कुमाऊनी में बात करता, जय की जो भाषा से वो अपने भाषा में बात करता, लेकिन हमारी भाषा है खुद बोली भाषा है, इसको बचाने के लिए इस बस सिर्फ इस भाषा को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड के कलाकार आज संघर्ष कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा कलाकार नहीं है हम लोगों पास, ऐसा मत सोचना कि हम लोगों का बहुत गाड़ी बंगला पैसा है, कुछ नहीं है। यहाँ उत्तराखंड के कलाकारों का कुछ नहीं, शोषण होता है बस, सरकार केवल शोषण कर, सरकार कभी कुछ नहीं सोचती है। लेकिन जो यहाँ के कलाकार हैं सिर्फ किस लिए काम कर रहे हैं मालूम है आपको? अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बोली भाषा के लिए। आज ब्राड़ी कपकोट में आने का मेरा काम यही था कि यार इन लोगों से मिलने को, बहुत टाइम से यार मैं देख रहा था जो गाने आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं, जो मिलियन पे चल रहे हैं, रील्स की दुनिया में चल रहे हैं, तो ये साथ में हैं, तो आज का ब्लॉग कुछ बेहतरीन होगा। आपके बीच आपके अर्जुन खलपेटा के YouTube चैनल में पहली बार हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सारे लोग आज पहली बार दादा को देख रहे होंगे, तो उनको कहना चाहूंगा दादा का एक न्योली और चाचरी कमला क्यों खेता, वो तो बड़ा फेमस हो गया था पहाड़ों में दादा, और आगे भी उम्मीद करते दादा इस टाइप के सॉन्ग आप दर्शकों के बीच लाते रहेंगे, है ना दादा? अभी इस बीच में कोई नए सॉन्ग आ रहे हैं आपके? अभी मेरा एक बेबी तेरो लहंगा करके कुछ डीजे सॉन्ग मारा है। अच्छा, डीजे सॉन्ग बेबी तेरो लहंगा। हाँ, उत्तराखंड में बहुत बड़े अच्छे लोग आए हैं भाई, भाई का चैनल है और सब्सक्राइबर जरूर करें खलपेटिया जी का, और 50,000 सब्सक्राइबर हैं और आगे बढ़ाइए
बस आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का मदद चाहिए। और सबसे पहले मैं ये धन्यवाद कहना चाहिए जो इस सांस्कृतिक लाइन में लाने के लिए जवाहर जी हमारे जो साथ हैं। अर्जुन भाई के चैनल से एक सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, दोस्तों ये जो दो कलाकार आपके बीच में हैं, बहुत ही गरीब घर से ये लोग उठे थे। इनकी जो पृष्ठभूमि है, काफ़ी गरीब घर से ये लोग उठे थे। चंडीगढ़ से इन लोगों ने अपनी सांस्कृतिक शुरुआत करी थी। कुंदन सिंह कोरुंगा ने पहला जो एल्बम थी चंडीगढ़ में ही इनकी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करवाई थी, वहीं से उनकी रिलीज हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, आज उत्तराखंड में अच्छा खासा नाम बनाया है। और जहाँ भी बागेश्वर में जहाँ प्रोग्राम होते हैं, निश्चित तौर पर उत्तराणी का मेला खास तौर पर जब भी होता है तो सर्वप्रथम नगर पंचायत नगर पालिका बागेश्वर की ओर से कुंदन भाई को ही ऑफर आते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कुंदन भाई, अर्जुन खलपटिया जी के इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइबर आप अधिक से अधिक जुड़ें, ऐसे भाइयों को सहयोग करें, ऐसे हमारे कुमाऊनी सहयोगियों को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खलपटिया जी की जो चैनल है तो जरूर सहयोग कीजिएगा, और जितना भी हमसे भी मदद हो इस चैनल से, क्योंकि इसी चैनल से हमारा भी आगे को जो है नाम होगा और आप लोगों का प्यार सहयोग सब मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो दादा मेले का माहौल तो बन रहा है यहाँ पे, दो लाइन अगर जोड़ा चाचरी, क्योंकि बोलते ना अगर दो पहाड़ी जहाँ पे मिलते ना तो शुरुआत होती है जोड़ा चाचरी के साथ। फिर अभी तो हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोग गायक यहाँ पे, तो मैं आपके सामने जो जोड़ा था वो दो लाइन आपके सामने सुनाऊंगा खलपटिया जी के चैनल से। कुछ समय मतलब जो हमें भी मौका मिलेगा कि इस चैनल से एक नया सॉन्ग भी निकलने को भी मौका मिलेगा हमें। तो अले ले छे मागे लागे वाड़ा भोले ले छे माधुर हो धुरा त्यार दुख देखे ले छे मा म्यार पराणा झुर हो झुरा अले ले छे मागे लागे वाड़ा भोले ले छे माधुर हो धुरा त्यार दुख देखिला जेमा मेरा पराणा झूर। धन्यवाद, ये सॉन्ग मेरा निकला था तो बधाने चार चार लगा दिया आपके प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दा, थैंक यू। तो फाइनली मैं पहुंचा भी बागेश्वर। आपको बताना चाहो ना, आज पूरा दिन का जो मेरा ब्लॉगिंग रहा पहाड़ी कल्चरल और पहाड़ी कलाकारों के साथ, और इस टाइम पर मैं पहुंचा हूँ बागेश्वर में। तो बागेश्वर में अपने कोई सब्सक्राइबर मिले हैं यहाँ पे इस टाइम पर? बहुत बहुत बधाई हो आपको नया साल की, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तो डेली देखती हूँ आपकी। अभी भी ब्लॉगिंग चल रही है, दिखा रहे हो आप मुझे, कल आओगे आप? आप ऐसे तरक्की करते रहना, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पैसे कमा के हमको भी देना होगा, 8 बजे पहले मैच के लिए तो बहुत बड़े फैन हो, बहुत बड़े फैन। मैंने नए साल की बधाई भी दे रखी थी आपको कमेंट में, भी कर दी। हां बिल्कुल बिल्कुल, लाइक कमेंट शेयर, लाइक करना, शेयर करना, ये अपने सब्सक्राइबर प्यार देना। और ये ब्लॉग का एंडिंग है, ठीक है, बिल्कुल स्माइली फेस के साथ ब्लॉग को एंडिंग कर देते हैं। चलो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बहुत इच्छा थी आपको देखने का मुझे। एक बार तो देखा था पहले, हाँ पहले देखा होगा, पिछली बार आए थे मैं यहाँ पे। चले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे ब्लॉग देखते हैं 8 बजे फर्स्ट में नहीं देखते, थैंक यू। तो चले आज के लिए इतना ही, और जल्द मुलाकात करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें अर्जुन खलपटिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। तो मैं मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, और आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और आप मेरा इंतजार करें अगले दिन 8 बजे, मैं मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। चले तो ख्याल रखिए।